स्टूडेंट्स, वेन एवर यू आर रिवाइज एनी चैप्टर फॉर एमसीक्यूज, फर्स्ट कंडीशन इज यू हैव टू डू थॉरो रीडिंग ऑफ द चैप्टर, ओनली देन क्वेश्चंस विल बी क्लियर. क्वेश्चंस कैन कम इन एनी काइंड ऑफ लाइक एमसीक्यूज, वन मार्क क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द कॉलम्स, assertion reasoning. Okay, so first of all you have to learn the definitions and their words. Pehle aap karte the words aur unki definition, ab aapko definition ko recognize karna. Like for example, the government in all, yes Brijesh, listen carefully, I can ask to anyone. Government in which all the powers are in the hands of single individual or a small group of individual, and the government is not answerable to anybody. This is called, I am giving you three options. This is called democracy, dictatorship, or monarchy. Powers are in the hand of single individual or a small group. Small group aa gaya, single hand aayega to monarchy, king. अगर ग्रुप आ गया तो क्या होगा इसका राइट आंसर? डिक्टेटर. मोनार्की में ओनली मोनार्क इज द किंग एंड ही इज नॉट आंसरेबल. लेकिन अगर ग्रुप की आती है बात तो तीनों में से डेमोक्रेसी, डिक्टेटर में, मोनार्की में राइट आंसर विल बी डिक्टेटर. हाँ जी, हरमीत एंड राघव दुग्गल एट प्रेजेंट. हरमीत एंड राघव दुग्गल, यस. देन which form of government allows people to choose their rulers? Democratic form of government. Which form of government is considered non-democratic? Monarchy, military rule, dictatorship, ye sari non-democratic. Okay, then name any four democratic countries of the world. इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूएसए, ब्रिटेन. ब्रिटेन ब्रिटेन फुली डेमोक्रेटिक नहीं है, वहां पे अभी भी काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है. साउथ अफ्रीका लिख सकते हो, श्रीलंका भी लिख सकते हो, श्रीलंका इज ऑल्सो डेमोक्रेटिक. यूएसए तो हो गया ना. काव्या प्रेजेंट. हाँ जी, ओके. द गवर्नमेंट ऑफ पोलैंड can't be called democratic government. Why? Number one, क्यों नहीं है पोलैंड की जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक क्यों नहीं है? बिकॉज क्या होता है वहां पे? हाँ जी, सपोज कोई भी एक कंट्री है उसकी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं होती. अगर हम मैक्सिको कह लें, जिम्बाब्वे कह लें, पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है तो हम क्या कहेंगे? इलेक्शंस आर नॉट फ्री एंड फेयर. ठीक है, ऑप्शंस जो भी होंगे आप उन ऑप्शंस में देखकर आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे. जो डेमोक्रेसी का ऑप्शन होगा आप ऑटोमेटिकली वो एग्जिस्टिंग जो है डेमोक्रेटिक ऑप्शंस होगा. सपोज अगर कोई भी क्वेश्चन है जैसे व्हाई पोलैंड इज कांट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नंबर वन आपके जो ऑप्शंस हैं आप उन ऑप्शंस को देखकर रिकॉग्नाइज करोगे कि पोलैंड की गवर्नमेंट जो है वहां पे क्या है. अगर मैं कहती हूँ इलेक्शंस आर फ्री एंड फेयर, ठीक है, नो. ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि पीपल दे आर गिवन राइट टू वोट इक्वली, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज देयर एंड डर्टी ट्रिक्स आर नॉट प्लेड, ठीक है, तो आपने ऐसे जो है वो रिकॉग्नाइज करना. नेक्स्ट इज व्हाई चाइना कांट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक. चाइना को डेमोक्रेटिक क्यों नहीं कहते? क्योंकि चाइना में क्या है, नो डाउट मेनी पार्टीज आर देयर बट ऑलवेज वन पार्टी दैट इज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी मैनेज टू विन द इलेक्शंस एंड टू बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. कैंडिडेट हैज टू टेक अप्रूवल ऑफ मिलिट्री, आर्मी की अप्रूवल लेनी पड़ती है. हाँ जी, ऋषिकेश एंड जयदेव प्रेजेंट है. यस, नेक्स्ट इज नेम अ कंट्री वेयर वुमेन डू नॉट हैव राइट टू वोट. साउदी अरेबिया. नेम एनी टू कंट्रीज विच फॉलो वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. इंडिया एंड यूएसए. इंडिया एंड यूएसए. ओके, नेम एट, हाँ हाँ, साउथ अफ्रीका भी. नेम एनी टू कंट्रीज वेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड. पाकिस्तान, मैक्सिको भी कह सकते हो जो आपने केस स्टडीज पढ़ी. नेम अ कंट्री विच हैज मल्टी पार्टी इलेक्शंस.
इंडिया बाय हुम वॉज द लीगल फ्रेमवर्क इशूड इन द पाकिस्तान, किसने लीगल फ्रेमवर्क को चेंज कर दिया था, इशू किया था? जनरल मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ। काव्य आप प्रेजेंट हो? ओके, इन आफ्टर हाउ मेनी इयर्स डज मैक्सिको होल्ड इलेक्शंस फॉर इलेक्टिंग इट्स प्रेसिडेंट? इट्स 5, 6, 7 or 8? 6 years. ऐसे ऑप्शंस याद करो। अगेन आई एम रिपीटिंग, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स डज मैक्सिको होल्ड इलेक्शंस फॉर इलेक्टिंग इट्स प्रेसिडेंट? 6 years. सिर्फ मैक्सिको में ही 6 years हैं, इंडिया में 5 years हैं। मैक्सिको का याद रखो। By whom is the president of China appointed? By whom is the president of China appointed? मैंने ये नहीं पूछा who is the president? पार्लियामेंट का नाम क्या है? चाइनीज पार्लियामेंट का नाम क्या है? हाँ, ऑप्शंस। ओके, ऑप्शंस पूछते हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, मिलिट्री आर्मी और एनपीसी। एनपीसी, एनपीसी है क्या? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। एंड यू नो दिस इज द नेम ऑफ द चाइनीज पार्लियामेंट। तो आपको मैं ये भी पूछ सकती हूँ, व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनीज पार्लियामेंट? एनपीसी, नेशनल पीपल कांग्रेस। मींस प्रेसिडेंट बनने के लिए प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करेगा? एंड सेम हमारी कंट्री में ही है। तो मैं अगर आपको ये पूछूं हु कैन इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन कर सकता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। इसी तरह से चाइना का है क्वेश्चन, मैंने पूछा है बाय हुम इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना अपॉइंटेड? एनपीसी मतलब पार्लियामेंट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? मेंबर्स ऑफ नेशनल पीपल कांग्रेस। ठीक है, for contesting elections in China, whose approval does a candidate need to have? Okay, before contesting election, किसी भी person ने अगर contest करना election, कुछ भी बनना है, उसको किसकी approval चाहिए? Party, hold है party का। Before contesting elections in China, whose approval does a candidate need to have? Answer is CCP. क्या है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड चाइना रिकॉर्ड इट्स वर्स्ट फेमाइन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री? ईयर 1958, 1968, 78 और 88? 1958 से लेकर 1961, नोट डाउन द ईयर्स अगेन। During which period did China record its worst famine in the world's history? 1958 to 1961. तो कोविड का टाइम हो गया ना ये तो। Yes, next is full form of PRI, Institutional Revolutionary Party. Full form of PRI is Institutional Revolutionary Party. Clear? PRI, Revolutionary Party. Okay. In which year Parvez Musharraf led a military coup? Huh? 1999. In which year General Parvez Musharraf led military coup in Pakistan? 1999. Okay, in which year he changed legal framework of Pakistan? ये आएगा 2002. In which year he changed legal framework order? 2002. Which party was ruling in Mexico since 1930 to 2000? Imagine करो,
विच पार्टी वॉज रूलिंग इन मैक्सिको सिंस 1930 to 2000? PRI means Institutional Revolutionary Party, because it used dirty tricks. कौन कौन से dirty tricks play किए? Like forcing government employees to vote for party, forcing government teachers to compel the parents to vote for them. Then it is compulsory for government employees to attend the party meetings, and they also use money and muscle power to win the elections. Dirty tricks का मतलब होता है किसी भी तरह से अपनी पार्टी को प्रमोट करके अपनी पार्टी को जिताना, किसी भी तरह से unfair means के द्वारा. ओके बच्चे, अब मैं ना कुछ स्टेटमेंट्स बोल रही हूँ आपको. स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे आ सकते हैं, यू हैव टू रीड लिसन द स्टेटमेंट्स. मैं कुछ स्टेटमेंट बोलूंगी, आपने मुझे ये बताना है कि दिस इज डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक, है ना. व्हेन आर्मी इन एनी कंट्री वर्क्स अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पार्लियामेंट and MPs work according to the wishes of army, it is democratic or non-democratic? It is. Suppose ये indirectly मैं कह रही हूँ कि army का interference MPs में है, लोकसभा में है, और लोकसभा की interfere army में है, तो क्या दोनों independently work कर पाएंगे? Soldiers को हमेशा tension होगी कि MPs पता नहीं क्या decision देंगे, और MPs को हमेशा tension होगी कि army पता नहीं क्या decision देगी. Both are separate. लेकिन अगर दोनों इंटरफेयर करेंगे तो दैट इज डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक? हाँ, नॉन डेमोक्रेटिक. यस. इन एनी कंट्री इफ पार्लियामेंट इज सुप्रीम तो इट इज डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक? इट इज डेमोक्रेटिक. ठीक है. ओके, नाउ अजर्शन एंड रीजनिंग. अजर्शन एंड रीजनिंग में है, इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. नंबर वन, फर्स्ट स्टेटमेंट है, इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. सेकेंड इज, वंस इट हैज बीन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, नाउ देन इट इज फ्री टू टेक एनी डिसीजन इंडिपेंडेंटली. दोनों जो है बोथ आर ट्रू, एंड सेकेंड जो है रीजन जो है That is the correct explanation of assertion. ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे भी हो सकता चेंज करूं. फर्स्ट है, इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. सेकेंड क्या है, बट आर्मी, सीएम, प्राइम मिनिस्टर एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन चेंज द डिसीजन टेकन बाय इलेक्शन कमीशन. तो ये वैसे हमारी कंट्री में होता नहीं है, तो दैट इज क्या है, That is not the correct explanation of assertion. So both statements are not true. First is true, second is incorrect. ठीक है, ऐसे ऐसे आपको questions याद रखने हैं बच्चे अभी. Okay, in which year Zimbabwe gained independence from white minority rule? 1980. And since then the country is ruled by which party? Which party? ZANU-PF. ZANU-PF. Who was the leader of this party? Robert Mugabe. और ये country किसके rule में थी? किसके किस community के rule में थी? Black or white? White. ठीक है? Okay. In India, what is the age? For right to vote for men and women, 18 and above. In which year Parvez Musharraf held referendum in the country? 2002. Referendum tha kya? 2002 mein Parvez Musharraf pure world ko dikhana chahta tha ki Pakistan democratic country hai.
एंड अगर वो प्रेसिडेंट है तो वो लोगों की राय से है। तो इसलिए उसने क्या करवाया, पाकिस्तान में रिफरेंडम करवाए। रिफरेंडम और इलेक्शंस में फर्क क्या होता है? इलेक्शंस में क्या होता है, होल कंट्री इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू सीट्स, ठीक है, पूरी कंट्री को सीट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे 543 है तो 543 पार्ट्स में फ्रॉम ईच एंड एवरी पार्ट वन एमपी विल बी इलेक्टेड एंड आउट ऑफ ऑल एमपीज वन प्राइम मिनिस्टर विल बी देयर। लेकिन रिफरेंडम में क्या होता है, सपोज मैं आप सभी बच्चे हैं, ठीक है, मैं आपको स्लिप दे देती हूँ और आपको कोई क्वेश्चन पूछती हूँ, तो आपने उसमें क्या लिखना है, जस्ट येस और नो। इसका मतलब कोई एरिया नहीं डिवाइड किया गया, जस्ट लोगों से क्या पूछा गया है कि डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू परवेज मुशर्रफ गवर्नमेंट, येस और नो। अब आधे लोग येस करेंगे, आधे नो करेंगे, या कितने लोग येस करेंगे, ये सिर्फ किसको पता है, किसको पता है, परवेज मुशर्रफ और उनकी पार्टी, ठीक है। अब मे भी अगर कई लोगों ने शायद नो भी किया होगा तो नो को चेंज कर दिया गया इनटू यस, तो डू यू थिंक इट वाज डेमोक्रेटिक, नो। सो दैट्स व्हाई वी कैन से पाकिस्तान कांट बी कॉल्ड ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री, बिकॉज एक तो यहाँ पे इलेक्शंस अनफेयर एंड सेकंड इज यहाँ पे क्या है, स्टेट रिलीजन क्या है, इस्लाम। ऑल अदर रिलीजन्स आर नॉट गिवन इक्वालिटी। जिस कंट्री में बाकी रिलीजन्स कम्युनिटीज को इक्वालिटी नहीं होती तो उस कंट्री को हम 100% डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते। ओके, द कंट्री इन विच इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट वोट ऑफ एन इंडिजिनस फिजी हैज मोर वैल्यू देन ऑफ इंडियन। कंट्री का नाम बीच में ही है, रिकॉग्नाइज कर सकते हो। सपोज अगर कंट्री का नाम ना भी होता तो आपको पता होना चाहिए कि फिजी के बारे में। नेक्स्ट इज द कंट्री इन विच पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट राइट टू वोट, एस्टोनिया, ठीक है। एस्टोनिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे कुछ रशियन माइनॉरिटी के लोग रह रहे हैं लेकिन उनको क्या नहीं मिला, राइट टू वोट, ठीक है। यस, अभी हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन। इन विच ईयर कैबिनेट मिशन प्लान केम इन इंडिया, 1946। इन विच ईयर कैबिनेट मिशन प्लान केम इन इंडिया, 1946। इन विच ईयर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म, कौन से ईयर में बनी, सेम ईयर बच्चे 1946। कैबिनेट मिशन प्लान ही इसको लेकर आया था। मिशन प्लान का मतलब कैबिनेट मिशन हमारी कंट्री में आए, ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए एंड दे सजेस्टेड टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उनको तो पता ही था कि वो इंडिया को डिवाइड करने वाले हैं और इंडिया को फ्रीडम मिल जाएगी। तो इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले ही हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया था। देन हु वॉज गिवन क्रेडिट टू पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु वॉज गिवन कॉन्ट्रीब्यूशन टू पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। दैट नेक्स्ट इज हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। Who was the president of this assembly, Constituent Assembly, Dr. Rajendra Prasad? How many days were spent by the members of Constituent Assembly in different parts of the country? 114 days. Means इनको कितने दिन मिले? 114 days. 114 days के बाद सभी members वापिस आए and they again met in the Constituent Assembly. Okay, in which year this constitution was adopted by assembly? कौन से ईयर में अडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949। एंड फोर्स में कब आया, पास कब किया, इंप्लीमेंट कब किया कॉन्स्टिट्यूशन? 26 जनवरी 1950। अलग अलग डेट्स हैं, फिर से याद रखो। व्हेन आर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, अगर तो आएगा अडॉप्ट कब कर लिया, मतलब कब बन गया था पूरी तरह से, 26 नवंबर 1949। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कब किया, पास कब किया, 26 जनवरी 1960।
सेम ऐसा ही है बच्चे, कोई मूवी है, मूवी बन जाती है पहले ही, रिलीज कब होती है ऐसे याद रखो कि कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही बन गया था। कब तक फाइनली बन गया था, अडॉप्ट कब कर लिया, 26 नवंबर 1949। इंप्लीमेंट कब किया, फोर्स केम इनटू फोर्स का मतलब कब से इसको इंप्लीमेंट किया गया, 26 जनवरी 1950। ठीक है, विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड बैग ऑफ बोरोइंग्स, इंडिया, व्हाई, बिकॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अडॉप्टेड मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी दो एग्जाम्पल दे सकते हो, प्रीएम्बल, पार्लियामेंट जो है दैट इज टेकन फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है, एंड प्रीएम्बल कहाँ से लिया गया, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल सेम अमेरिका का भी हमारी तरह प्रीएम्बल है, हमने अमेरिका को कॉपी किया। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने लिए आयरलैंड से, तो ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज फंडामेंटल राइट्स लिए हैं हमने अमेरिका से। हाउ मेनी इयर्स नेल्सन मंडेला स्पेंट इन जेल, 28 इयर्स। ऑन विच डेट नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अनफर्ल्ड, कौन सी डेट को अनफर्ल हुआ था साउथ, 26 अप्रैल 1994। What is the policy of apartheid? Bhavansh and Gurpreet, they entered late. What is the policy of apartheid? बच्चे apartheid का बहुत easy meaning है, separation on the basis of race and color. Separation का मतलब है segregation by the white people on black on the basis of caste, religion नहीं आएगा, color and race. ANC, full form of ANC, African National Congress, ठीक है? Yes, अभी इस असेंबली के कुछ मेंबर्स बोल रही हूं मैं, कई बार आपको ये भी आ सकता है कि which out of these is not a member of Constituent Assembly? ठीक है, असेंबली जो थी दैट वाज मेनली डोमिनेटेड, उस टाइम पर मेन डोमिनेटेड पार्टी कौन सी थी इंडिया में, ओनली वन, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, मेनी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर्स दे पार्टिसिपेटेड इन दिस असेंबली, नंबर वन। अब इनके ना नेम याद रखो लीडर्स के, आपको कोई भी आ सकता है कि इनमें से कौन लीडर नहीं है, सपोज एक्स्ट्रा नेम कोई भी आ सकता है, तो रिकॉग्नाइज करो ये नेम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंपॉर्टेंट मेंबर्स, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देन सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनकी भी फोटोज आपकी बुक में है, एटलीस्ट दे आर ना, देन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नहीं वो तो स्टार्टिंग 1928 में उन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा था, स्टार्टिंग वहां से की थी, दे डिमांडेड, उन्होंने कहा था कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। देन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, विमेन, इंपॉर्टेंट विमेन, डॉक्टर सॉरी मिसेस सरोजनी नायडू एंड सरदार बलदेव सिंह। नाउ टेल मी, महात्मा गांधी वॉज पार्ट ऑफ दिस असेंबली और नॉट? नो, ही वॉज नॉट पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी मेंबर्स दे बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, 30, राइट डाउन, अप्रोक्सीमेटली 30 मेंबर्स, 30 members, 299 total थे, total से 299, approximately 30 members belong to scheduled caste. अब हमने ये show करना है कि Constituent Assembly जो थी वो किसी एक group की नहीं बल्कि सबको represent करती थी। Minorities में Anglo-Indian, Anglo-Indian का मतलब क्या होता है, जिनकी बहुत पुरानी families इंडिया से थी लेकिन अब वो कहाँ चले गए, फॉरेन कंट्रीज में। एक पर्सन थे, उनका नाम था फ्रैंक एंथनी, ही वाज आल्सो द मेंबर ऑफ दिस असेंबली, फ्रैंक एंथनी, एंग्लो इंडियन, फ्रैंक एंथनी। पारसी कम्युनिटी को भी बिलोंग किया एक पर्सन ने, क्या नाम था उनका, एचपी मोदी, पारसी कम्युनिटी से भी एक पर्सन थे एचपी मोदी। विजय लक्ष्मी पंडित,
लीडिंग वुमेन, इन दो नाम याद रखो, सरोजनी नायडू एंड मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित वर लीडिंग मेंबर्स, विमेन मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. एक्सपर्ट्स, लीगल एक्सपर्ट कौन थे? कृष्णा स्वामी अय्यर, साउथ इंडियन, तो वहां को रिप्रेजेंट में किया. एंड के एम मुंशी, लीगल एक्सपर्ट थे इस असेंबली में. मैं फिर से नेम सारे बोल रही हूँ कि आपको कोई भी आ सकता है कि विच ऑफ दीज, सपोज ये नेम याद रखो, जब भी ये नेम आप पढ़ोगे आपको पता होना चाहिए कि असेंबली के मेंबर है. इसके अलावा सपोज कोई और नेम है, लाइक महात्मा गांधी वॉज नॉट, सुभाष चंद्र बोस थे? नो. ठीक है, क्या असेंबली के मेंबर उनकी IN नहीं है, इंडियन नेशनल आर्मी, असेंबली के मेंबर नहीं है ना, तो ये ऐसे याद रखो, नेम्स याद रखो. पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, B.R. अंबेडकर, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, H.P. मोदी, बलदेव सिंह. ये शो करता है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसी एक कम्युनिटी नहीं, बल्कि दिस असेंबली रिप्रेजेंट ऑल द डिफरेंट कास्ट, रिलीजन एंड ग्रुप, इवन जेंडर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, अब आ जाओ प्रियम्बल. प्रियम्बल के वर्ड्स जो आपको पता होने चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो टर्म्स क्लियर होने चाहिए आप. मीनिंग ऑफ प्रियम्बल, प्रियम्बल क्या होता है? इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन विच क्लियर द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडिंग वैल्यूज बताती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राफ्ट? ड्राफ्ट क्या होता है बच्चे? जैसे न्यूज़पेपर आता ना, आप देखते हो आपके सबके घर में न्यूज़पेपर आता है, लेकिन ये तो न्यूज़पेपर जो आपके पास है वो कॉपी है. ओरिजिनल न्यूज़पेपर जिससे प्रिंट किया वो पहले सारा तैयार करना पड़ता है, कौन सी न्यूज़ को कहाँ पे सेट करना है, किसके साथ फोटो लगानी है, हेडलाइन क्या देनी है, अगर स्पेस बच जाती है तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स लगानी है, एडवर्टाइजमेंट का साइज क्या होगा, जितना साइज ज़्यादा होगा उतने ही चार्जेस ज़्यादा लिए जाएंगे. फ्रंट लाइन यानी कि फ्रंट मेन न्यूज कौन सी, कवर कवरेज कितनी है उसकी, ये सारा जो है वो पहले एक न्यूज़पेपर तैयार किया जाता है. बच्चे ऐसे ही हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको क्या किया गया? ड्राफ्ट. ड्राफ्ट का मतलब होता है सारा उसको रिटर्न और टाइप करके उसको प्रिपेयर किया. किस कमेटी ने किया इसको? ड्राफ्टिंग कमेटी. चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. ठीक है, अभी हम कहते हैं ना कि ही वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने सारा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट तैयार किया. ड्राफ्ट का मतलब कॉपी से पहले जो उसका मेन जो है वो फर्स्ट फर्स्ट कॉपी जो है उसकी, उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया? प्रिंट निकाले गए. तो मेन जो ड्राफ्ट है, मेन जो रिटर्न वर्जन उन्होंने तैयार किया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. तो तभी हम कहते हैं ना कि ही इज कॉल्ड द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी. तो ड्राफ्ट क्या होता है? ड्राफ्ट इज अ प्री वर्जन ऑफ एनी लीगल डॉक्यूमेंट. ड्राफ्ट इज द प्री वर्जन ऑफ एनी लीगल डॉक्यूमेंट. ड्राफ्ट इज द प्री वर्जन. प्री वर्जन का मतलब कि कॉपी से पहले, जैसे आपकी बुक है, अब आपकी बुक जो प्रिंट होने से पहले पहले इसको प्रिपेयर किया होगा कि कौन सा चैप्टर कैसे है या कुछ, है ना, प्री वर्जन उसका रिटर्न फॉर्म. सो नाउ टाइम इज ओवर एंड टुमारो अगेन आई विल डिस्कस दिस सिविक्स पार्ट.